हेलो गार्डनिंग लवर्स, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स पेटूनिया प्लांट के ऊपर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पेटूनिया जो है एक सन लविंग प्लांट है। जब आप इसको नर्सरी से लेकर के आते हैं, गमलों में लगाने के बाद आप इसको 2 से 4 दिन शेड में रखें और उसके बाद आप इसको 6 से 8 घंटे की फुल डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है पॉटिंग मिक्स। पॉटिंग मिक्स का रेशियो क्या होना चाहिए वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। 30-30-40 का आप रेशियो लें। सैंड, सॉइल एंड ड्राई कंपोस्ट जो भी आप यूज़ करते हो, काउ डंग या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जितना अच्छा हेल्दी और लाइट हमारा पॉटिंग मिक्स रहेगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और हमारा प्लांट भी फास्ट ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पानी की रिक्वायरमेंट। पेटूनिया बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद करता और पानी कम होना भी प्लांट को शॉक में लेकर के जा सकता है। तो विंटर में आप सॉइल चेक कर लें पहले कि अगर आपको लगे कि गमले की मिट्टी सूख रही है, आप तभी पानी दें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट। मैं अभी सिंगल सुपर फॉस्फेट ऐड कर रहा हूँ सैपलिंग के साथ अपने पॉटिंग मिक्स में। आपका प्लांट जब एक बार सेटल हो जाए तो आप उसमें 3 से 5 दिन के गैप में लिक्विड के मस्टर्ड फर्टिलाइज़र या फिर NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग के लिए। पेटूनिया एक फर्टिलाइज़र लविंग प्लांट है तो आप इसको रेगुलर फीड ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यूस फ्लावरिंग अपने प्लांट के ऊपर मिलती रहे। अपने प्लांट को रेगुलर फीडिंग कराने के अलावा हमें पिंचिंग का भी ध्यान रखना है। पेटूनिया में हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको अपने प्लांट को 2 से 3 बार ज़रूर पिंच करें। 2 से 3 बार पिंच करने के बाद आपके प्लांट के ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और जिनके ऊपर आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो पिंचिंग भी एक नेसेसरी स्टेप है पेटूनिया प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। दोस्तों, वैसे तो पेटूनिया काफ़ी हार्डी प्लांट है, पर किसी भी पेस्ट अटैक से अपने प्लांट को बचाने के लिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपने प्लांट के ऊपर 10 से 15 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करना अपने प्लांट के ऊपर नहीं चाहते। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक